धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्म को साक्षात भगवत नेकम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममीवान से जीव भूतर। जैसे कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा अंगुली है, ये शरीर का अंश है, और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुजला, अंगुली इसी बगल शुरू कर, पैर में थोड़ा ऐसा तो जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुकुम मानना। और भी बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुकुम दिया, हाँ आपको विधानसभा में सभापति जो हुकुम देगा उसको मानने पर, इसी प्रकार कोई कानून है। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानो, नहीं फिर आपको तकलीफ में पड़ने, दुखी हो, गवर्नमेंट शासन कर। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, जैसा इमली है वो खटाई, और ईख है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है, और पत्थर जो है वो कठिन है, ये कौन बना है? भगवान बना दे। तो पत्थर है और कठिनता है नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर साफ है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझने चाहिए। धर्म ये नहीं है मनमाफी को धर्म हम बना लिया, धर्म धर्म का अर्थ यह है गृदात्मन, जो कि जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसे आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आच्छादन करके देखते मीठा में, अरे क्या है, तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है, तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म। भगवत सेवा यही असल धर्म, इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी गुण से करो धर्म जतो भक्ति रघो खजी। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नाना प्रकार के, पति को शास्त्र में कहती ये सब चीटिंग धर्म, ये सब धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माने कम शरण, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर के उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापना था, धर्म को संस्थापन करने के लिए। जदा जदा ही धर्म से ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सुजामहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। धर्म संस्थापनाथाय जुगे जुगे सम्मान। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है कि वो धर्म संस्थापन कर। अब फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करें।
छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तबा कोई तबा था छलना चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताकर सभी गुण से प्रयोग हो, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया जाए। हाँ, जो तो भक्ति अधोखे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्य कर जाए उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। अब वो भक्ति कैसी अहोई, क्योंकि ये भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। मैं वो शुद्ध भक्ति में भक्ति अहोई क्योंकि कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध हो। अहोई तो की जैसा ये अंगली हमारा अंश है, हम 10 दिन उसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगली नहीं कहेंगे आप तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं करें। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखते हैं, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जग जग भवम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दीजिए, वो हम परवाह नहीं करते, बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीशतांग, ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करते हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति में। ये हो चुकी, मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, इसलिए हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता, हाँ, इतना जो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, वो कहते बेकार के काम है क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं, जो हमारा पैसा भी 1000 रुपया है तो भगवान की भक्ति करते हैं, मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजन थे मांग सुकृति, सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्य मान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांग लेते हैं, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान कहा सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जा तो भी पुण्यवान। छिन्नताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाग से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता है। बाकी भक्त का लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण,
इसलिए भगवत भक्त जो पाप पुण्य का ऊपर है। वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करो, उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है और नाभिलाष का सुन्नम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल सुन्न और नाभिलाष का सुन्नम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख उसको मिले, हमको सब लोग प्राप्त हो जाए, जन लोग महलोक को अच्छी तरह से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मानावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अति, जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित कोई दब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त, जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है हित की अधो खजे सभी पुंसांग करो धर्म जितो भक्ति अधो खजे अहित की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जाग न करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, नहीं अप्रतिहता, चाहे अब गरीब है चाहे अमीर है चाहे मूर्ख है जो कोई है, चाहे नीच है चाहे पापी है, सबके लिए खुला। हरे कृष्ण हरे हरे हरे।